हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दिव्य नैतिकता, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं पर आधारित है, जो कि हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने श्री भक्ति सिद्धांत वैभव नामक ग्रंथ में जो है लिपिबद्ध कर रखी है, उसको लिखा हुआ है। तो ये जो डिस्कशन है, ये भक्ति सिद्धांत वैभव वॉल्यूम 1 पार्ट 2 के इस अध्याय से हम बात कर रहे हैं। इसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहली बात तो हम फिलोसफिकली हम चर्चा करेंगे नैतिकता और दिव्य नैतिकता के ऊपर। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे क्या कृष्ण नैतिक है या अनैतिक है। और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डिवोटी, एक भक्त, एक वैष्णव, वो नैतिकता से उसका क्या संबंध है, क्या वो नैतिक होता है या अनैतिक होता है। तो बात अगर हम नैतिकता की करते हैं तो जनरल प्रिंसिपल क्या है जो लोगों के मन में विचार चलता है, और गलत भी नहीं है, कि अगर आप किसी को जेंटलमैन बोलते हो, सभ्य भद्र पुरुष बोलते हो, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी कि वो नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। नैतिकता के बगैर किस तरह का भद्र पुरुष है। और एक अगर आप साधु की वैष्णव की बात करो तो भैया फिर तो बिना नैतिकता के तो बात ही नहीं हो सकती। और लोग जो जनसाधारण है वो ये बोलते हैं कि अगर नैतिकता को आप अगर एक किनारे उठा कर रख दोगे कि वो नैतिकता है नहीं है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोला पूरे संसार में अराजकता फैल जाएगी। नैतिकता के बगैर तो मतलब कौन सही कर रहा है गलत कर रहा है वो विवेक ही ख़त्म हो जाएगा। अर्जुन एग्जैक्टली ये बात भगवद गीता के बिल्कुल शुरू में पहले चैप्टर और दूसरे अध्याय का भी कुछ भाग जो है अर्जुन ने इसी बात को लेकर लगा दिया। और भगवान कृष्ण ने पूरी भगवद गीता बोली ये बताने के लिए कि नैतिकता होती क्या है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना महत्वपूर्ण विषय है। जो नैतिकता है, अगर भगवान को हम बीच में से निकाल देते हैं नैतिकता के, तो फिर तो मतलब पूरा समाज जो है वो समाज ही अनैतिक बन जाएगा। कैसे अनैतिक बन जाएगा आगे जाके आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, और बहुत ही सटीक एक्सप्लेनेशन है वो। नैतिकता के बारे में एक प्रॉब्लम यह है कि सापेक्षवाद, रिलेटिविटी चल रही है, कहीं पर एक चीज़ नैतिकता है, कहीं पर वही चीज़ एग्जैक्टली दूसरी जगह जाओगे वो अनैतिक हो जाएगी। कंट्रीज़ के अंदर फ़र्क आ जाता है, लोगों के अंदर फ़र्क आ जाता है। आप देखो कि जैसे भारत है, भारत में वाइन शराब पीना अनैतिक माना जाता है, लेकिन पाश्चात्य देशों में नॉर्मल है। लोग वहाँ पे जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके धार्मिक कार्य हैं, उसके अंदर ही वाइन पीते हैं, उसके बगैर पूरे नहीं होते उनके। कई जगह जो है एक पुरुष कई शादियाँ कर सकता है, एक से ज़्यादा, पॉलीगैमी, वो अनैतिक है। इस्लाम के अंदर वो नैतिक है, वो भैया 4 शादियाँ कर सकते हैं, उनको अनुमति मिल रही है उनको। तो ये जो फर्क है कि एक जगह एक काम अनैतिक है, दूसरी जगह वही काम नैतिक है, इसको सामंजस्य बिठाना, इसको रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस उसके अंदर हम अगर हम हटा दें, अगर हम भगवान के प्रति जो शरणागति है, भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करने की जो चेष्टा है, अगर हम नैतिकता में से हटा देंगे, तो नैतिकता लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक
परिपेक्ष में आखिर सतोगुण का कार्य क्या है? अगर हमने भगवान की प्रसन्नता को उसमें से हटा दिया तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे को संतुष्ट करने के आधार पर धर्म की और नैतिकता की परिभाषा देंगे और उससे क्या होगा कि बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। और आप बोलो नहीं नहीं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता। आप आज का समाज देख लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर दो देशों के बीच में और एक देश के बीच में विभिन्न समुदायों के बीच में ये नैतिकता धर्म इनके आधार पर ही देखो कितनी लड़ाइयाँ, कितने मतभेद, कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो इस नैतिकता को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो नैतिकता है इतना सूक्ष्म विषय है कि लोग कन्फ्यूज्ड हैं। आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि आज कन्फ्यूजन है, वो शुरू से चल रही है कन्फ्यूजन। आज भी लोग कर्ण को दानवीर मानकर अपने बच्चों के नाम कर्ण रखते हैं, वो कर्ण को महान मानते हैं। क्या कर्ण वाकई में महान था? हम सबको पता है कि कर्ण जो है भगवान कृष्ण का कहना नहीं माना, भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि भाई तू भी पांडव है, तू पांडवों के साथ मिलकर रहे, आराम से सुख हो। नहीं मानी बात, भौतिक नैतिकता में फंसकर भगवान कृष्ण की सुझाव को, भगवान कृष्ण की आज्ञा को टाल दिया। तो भक्तों के अनुसार कर्ण जो है वो एक्चुअली में नैतिक नहीं था, वो अनैतिक था। इसके बिल्कुल विपरीत आप देख लो विभीषण। विभीषण उसको तो कहावत ही लोगों ने बना दी, घर का भेदी लंका ढाए। हम में से, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों के नाम विभीषण रखे हैं? मैंने तो आज तक सुना नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई रावण का भेद जाकर भगवान राम को बता दिया, अरे भाई एक असुर का, एक राक्षस का, एक रेपिस्ट जो बलात्कारी है, जो हरण करके लाया हुआ है किसी दूसरे की स्त्री को, और पहले भी उसकी हिस्ट्री है, रिपीट ऑफेंडर है, उसको अगर मारने में, अगर समाज में धर्म स्थापित करने के लिए, अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए अगर विभीषण ने बता दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? ये तो अच्छा काम है कि खराब काम है? नहीं, भाई का आपने भेद बता दिया, ये सोचकर काट देते हैं। एकलव्य, महाभारत में आप एकलव्य को देखो, द्रोणाचार्य की लोग आलोचना करते हैं और एकलव्य की प्रशंसा करते हैं कि देखो एकलव्य ने प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं ली थी द्रोणाचार्य से, फिर भी द्रोणाचार्य ने कितने लालची थे, कितने बेईमान थे कि उसका अंगूठा ही मांग लिया और एकलव्य ने भी तुरंत अंगूठा काट कर दे दिया। गुरु भक्ति देखो, अरे द्रोणाचार्य ने क्यों अंगूठा लिया था आपको पता होना चाहिए। उनको पता है कि इसके, इसने एक योग्यता हासिल कर ली है, प्राप्त कर ली है, जिसका यह अधिकारी नहीं है, इसका दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग रोकने के लिए अंगूठा ले लिया। और आप देख लो एकलव्य ने महाभारत का युद्ध किसके साथ मिलकर लड़ा, कौरवों के साथ मिला हुआ था, अधर्म का साथ दे रहा था। प्रहलाद महाराज की हम बात करें, क्या प्रहलाद महाराज नैतिक है कि अनैतिक है? उनके सामने, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान नरसिंहदेव ने उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, कि अंतड़ियां निकाल के अपने गले में लपेट दी, और नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज ओह आप कितने महान हैं, आप कितने सुंदर हैं, उनको फूलों का हार उनके गले में डाल रहे हैं। आप उसको कैसे भौतिक नैतिकता अनैतिकता के कसौटी पर आप लोग कैसे कसोगे? अर्जुन, अर्जुन ने अपने गुरुओं पर, अपने दादा समान भीष्म पितामह पर अर्जुन ने बाण चलाए, उनको मार दिया, अपने परिजनों को मार दिया अर्जुन ने। तो क्या अर्जुन नैतिक है या अनैतिक है? युधिष्ठिर महाराज
युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है वो रथ का पहिया जमीन को नहीं छूता था, ऊपर चलता था। धर्मराज थे सत्य की स्थापना के लिए। जैसे ही उन्होंने, लोग बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया नरवा कुंजर, वैसे उनका रथ का पहिया जमीन पे लग गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला बिल्कुल गलत लॉजिक है ये, युधिष्ठिर महाराज का के रथ का पहिया जमीन पर इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने संकोच किया, हिचकिचाए। भगवान कृष्ण ने बोला झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर महाराज ने सोचा वो कैसे झूठ बोल दूँ, मैं तो धर्मराज हूँ। ये संकोच के कारण भगवान, भगवान की आज्ञा का पालन करने में लेश मात्र भी संकोच किया, उसका परिणाम था कि रथ का पहिया जमीन पर लग गया। लोग तो यहाँ तक लांछन लगाते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं अनैतिक है, गोपियों का वस्त्र हरण करना, मक्खन चुराना, रण छोड़ के भाग जाना, मतलब क्या कुछ उन्होंने नहीं किया भगवान ने, हर चीज़ में लांछन लगाते हैं। कैसे इसको हम, इसको हम देख सकते हैं, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर इसको कैसे देख रहे हैं। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने बोला कि देखो भौतिक जगत में यूटिलिटेरियन अप्रोच चलती है, फलेन परिचीयते, के फल से पता चलेगा कि कोई कार्य सही है कि गलत है, कोई कार्य नैतिक है अनैतिक है। ये बिल्कुल क्रिश्चियंस की तरह है, ईसाइयों की तरह है कि अगर किसी, कोई क्रिश्चियन है, उस व्यक्ति के पास एक पत्नी है सुंदर, दो बच्चे हैं, एक कुत्ता है, अच्छी नौकरी है, मकान है, ही इज़ अ गुड क्रिश्चियन, वो अच्छा ईसाई है। फल से पता चल रहा है कि अगर अच्छा ईसाई नहीं होता तो उसको ये सारी चीजें उसको नहीं प्राप्त होती। यूटिलिटेरियन अप्रोच का एक मतलब ये भी होता है कि किसी बात से कितने ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, अगर ज्यादा लोगों का भला हो रहा है तो नैतिक है, अगर ज्यादा लोगों का भला नहीं हो रहा तो वो अनैतिक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला एक गलत है बात। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विरोध किया, और विरोध भी पूरा दम लगा दिया इसका विरोध करने में। उन्होंने बोला नहीं, नैतिकता अनैतिकता की परिभाषा लोगों का, कितने लोगों का भला हो रहा है कितनों का नहीं हो रहा है, ये परिभाषा नहीं है। आपके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं ये परिभाषा नहीं है, फलेन परिचीयते, परिभाषा ये है कि भगवान कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये परिभाषा है। परिभाषा, अगर आप कोई नैतिक कार्य कर रहे हो और वो कार्य जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता से विहीन है, तो वो केवल आपने लोगों में यश की भावना से उस कार्य को कर दिया, एक्चुअली में उस कार्य का परिणाम क्या होगा कि जो ऑलरेडी बद्ध जीव है वो माया में और ज्यादा बंध जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य हैं प्रोफेसर सन्याल, और प्रोफेसर सन्याल ने एक पुस्तक लिखी थी श्री कृष्ण चैतन्य, लिखी प्रोफेसर सन्याल ने थी और उसको एडिट किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड है गौड़िया मठ के अंदर ये पुस्तक। उसमें प्रोफेसर सन्याल क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ये जो भौतिक नैतिकता है ये अनैतिकता से भी अधिक खतरनाक है। अरे ये क्या कह रहे हो, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि ये जो भौतिक नैतिकता जो इतना प्रचार हो रहा है एक्चुअली में पाखंड है। पाखंड कैसे है, जैसे बिल्कुल जैसे मायावाद है। मायावाद हम लोग सोचते हैं कि मायावाद जो है इम्पर्सनलिज्म है, जो मायावाद है, निर्विशेषवाद है, ये भी आध्यात्मिक है, बट एक्चुअली में ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, भगवान से दूर लेके जाता है। ऐसे ही जो भौतिक नैतिकता है भगवान से दूर लेके जाता है। उन्होंने बोला कि जो वास्तविक नैतिकता है वो जब तक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति सक्रिय जागृत नहीं होगा तब तक तो जो वास्तविक नैतिकता है वो तो आ ही नहीं सकती, वो तो असंभव है। और उन्होंने बोला कि
नैतिकता का प्रदर्शन करने के लिए, नैतिकता का अभ्यास करने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि आप कौन हो। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, दो एग्जांपल्स यहाँ पर खड़े हो गए। पहला कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के स्तर पर है, और दूसरा जो आत्मा के स्तर पर है। जो देहात्म बुद्धि के स्तर पर है वो भौतिक नैतिकता के पीछे दौड़ेगा। भौतिक नैतिकता, प्रोफेसर सन्याल ने बोला, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक नैतिकता है, ऐसा नहीं है इसके लाभ नहीं है, इसके लाभ हैं, लेकिन इसके लाभ सीमित हैं। जब तक आप कि ये जो विकृत आपका अस्तित्व है भौतिक जगत में, जब तक ये चलता रहेगा, ये शरीर जब तक चलता रहेगा तब तक इसका अस्तित्व है। जैसे शरीर बदला, उसके मायने, उसके अर्थ, परिपेक्ष पूरी तरह से बदल जाता है। आज हम हिंदुस्तान में पैदा है, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कल पाकिस्तान में अगर पैदा हो गए तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देंगे। क्या अनैतिकता है, क्या अनैतिकता है, कैसे पता लगाएंगे? शरीर से चल रही है, विकृत है, बेसिकली टेम्परेरी है। और उन्होंने बोला कि जो नैतिकता भौतिक जीवन के साथ सामंजस्य बिठा रही है वो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भौतिक जीवन से तो हम बाहर निकलना चाहते हैं, और जो वस्तु भौतिक जीवन से सामंजस्य बिठा रही है वो तो वैसी बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, उससे बाहर निकलना ही हमारे लिए उचित है। साधु क्या करते हैं? प्रोफेसर सन्याल ने अपनी इस पुस्तक में बोला कि एक साधु भौतिक नैतिकता और भौतिक अनैतिकता दोनों को ठुकरा देते हैं, दोनों की प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन दोनों का ही परम सत्य भगवान कृष्ण से संबंध नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जो वास्तविक नैतिकता है वो आत्मा के स्तर पर ही प्रैक्टिस की जा सकती है। तो एक प्रश्न उठ जाता है कि जो आध्यात्मिक स्तर है, जो आत्मा का स्तर है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, क्या वहाँ पर अनैतिकता होती है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, नहीं, वहाँ पर कोई अनैतिकता नहीं होती। ना अनैतिकता होती है और ना नैतिकता होती है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में अनैतिकता नहीं है, वहाँ पे नैतिकता भी नहीं है भौतिक, वहाँ पे ट्रांसेंडेंटल दिव्य कुछ और बात चल रही है, वहाँ पर भगवान की संतुष्टि से प्रेरित होकर हर कार्य चल रहा है। श्रील प्रभुपाद वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें क्योंकि हर व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है, इसलिए काम वासना जो है वो नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषाएं बनाती है, उसको प्रभावित कर देती है अनैतिक की परिभाषा को। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई काम वासना से प्रेरित कोई काम नहीं होता, वहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर्स है ही नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या चल रहा है? शिला प्रभुपाद ने बोला कि वहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संबंध है वो पूरी तरह से दिव्य प्रेम जो पूर्णतः शुद्ध है उससे प्रेरित होकर चलते हैं। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था चैतन्य चरितामृत आदि लीला 435 की व्याख्या के अंदर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब हम अगले दो वीडियोस में बात करेंगे, क्या भगवान कृष्ण अनैतिक हैं? क्या भक्त अनैतिक हो सकता है? नैतिकता अनैतिकता जीवन में कैसे उतारना है, इन उदाहरणों से हमें और ज़्यादा अधिक स्पष्ट होगा। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।